नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली मेटा प्रेडिक्शन में। आज आपके सामने एक नई खबर दिखा रहे हैं, आपको बता दें सिंगापुर की कंपनी सिंगटेल की 3.33% हिस्सेदारी खरीदेगी भारतीय टेलीकॉम 12,895 करोड़ रुपए में हुई है। आपको बता दें कि बीटीएल की ओर से कहा गया है कि भारतीय टेलीकॉम और सिंगटेल ने अपनी हिस्सेदारी बराबर बराबर करने के लिए यह समझौता किया। फिलहाल एयरटेल में सिंगटेल की 50.56% हिस्सेदारी है, जबकि मित्तल परिवार की कंपनी में 49.44% की हिस्सेदारी है। आपको बता दें देश की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी एयरटेल की शेयर होल्डिंग में बड़ा बदलाव होने वाला है। एयरटेल की प्रमोटर कंपनी भारतीय टेलीकॉम ने अपने सिंगापुर के पार्टनर सिंगटेल के साथ इसके लिए सौदा किया है। इस जीत के तहत सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन एयरटेल में अपनी 3.33% की हिस्सेदारी भारतीय टेलीकॉम को सौंप देगी। जी हाँ, दोनों कंपनियों के बीच यह डील 2.25 अरब सिंगापुर डॉलर यानी करीब 12,895 करोड़ रुपए में होगी। भारतीय टेलीकॉम ने गुरुवार को कहा कि यह डील 90 दिनों में पूरी की जाएगी। जी हाँ, भारतीय एयरटेल की ओर से शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा गया है कि सिंगटेल और उसकी सहयोगी कंपनी ने एयरटेल में अपनी 3.33% हिस्सेदारी भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड यानी बीटीएल को सौंपने के लिए समझौता किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बीटीएल की ओर से कहा गया है कि भारतीय टेलीकॉम और सिंगटेल ने अपनी हिस्सेदारी बराबर बराबर करने के लिए समझौता किया। फिलहाल एयरटेल में सिंगटेल की 50.56% हिस्सेदारी है, जबकि मित्तल परिवार की कंपनी 49.44% हिस्सेदारी है। जी हाँ,